जय श्री कृष्णा। मेरे कान्हा जी कहते हैं कि सफलता जिस ताले से बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। जय श्री कृष्ण। आज मेरे कान्हा जी के लिए भोग में है मेथी के पराठे और नींबू का अचार। तो लीजिए खाइए प्रभु, कान्हा जी खा लीजिए प्रभु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लीजिए प्रभु, आइए भोग। जय श्री कृष्ण। और आज मेरी रानी मेरी उठी आई, उठ के दोबारा सो गई जी। देखिए जय श्री कृष्ण। भाई अब मैं जा रहा हूं, भाजी सालन लिया आऊंगा। है तो मैं कल दो लोग के लिए आओ, है ना, मेथी लिया आऊंगा, टमाटर होगा घर ही देख लेनो। मैं जा रहा भाई, देर हो रही है, मैं ही लिया आऊंगा। है क्या होगा, नहीं पैसे नहीं चाहिए, रहने दे भाई। तो जय हो नंदी महाराज, नर्मदे हर। जो बाबा जी कल बैंक के सामने मिले थे उनके दर्शन फिर हो गए बाबा जी, नर्मदे हर। देखिए बाबा जी, मैंने बोला ना रास्ते में मिलूंगा और आपको मिल गया। कितने बजे चले थे सुबह? सात छह बजे, मतलब 7 या 6 बजे चले थे? नहीं, साढ़े छह। तो देखिए बाबा जी, आप मेरे गांव हासलपुर आ गए, मतलब लीजिए गांव दिख रहा है। इसके बाद में रंडाल आएगा, यहाँ से 3 किलोमीटर और रंडाल से 1 किलोमीटर गांव जी, मेरा गांव है लेकिन मेरा 1 किलोमीटर आगे है, मतलब ये नया गांव, पुराना गांव हमारा नया गांव है। फिर रंडाल से 1 किलोमीटर आगे गोआश्रम सात धारा बादाम गिरी जी महाराज का, तो वहाँ आश्रम पे जरूर रुकिएगा, है ना, गुरुदेव के दर्शन करिएगा, बहुत दुर्लभ है उनके दर्शन भी। हाँ, फिर आप रुकेंगे कि चल जाएंगे आज वहाँ पे? अभी चलेंगे, चलेंगे अभी। तो ओमकारेश्वर आपकी जब परिक्रमा पूरी हो जाएगी ना, तो आप जरूर आइएगा, यज्ञ 2 मार्च से वहाँ पे, है ना बाबा जी। नर्मदे हर बाबा जी, अब नर्मदे हर बाबा जी, ठीक से इस साइड में। बाबा जी जब भैया आ रहा है पीछे जी, हट जाए जरा, ठीक है बाबा जी, अब आशीर्वाद दीजिए। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। बहुत अच्छा बाबा जी, नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अर्थिक कृपा से एक बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं, देखिए पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा जी। नर्मदे हर, बहुत ही अच्छा लग रहा है बाबा जी, चौतरे पे बैठे हुए आप। और बाबा जी साथ में कोई भी, क्या कौन से जिले से हैं आप? वृंदावन से हैं। और बाबा जी थोड़ी वृंदावन के बारे में जानकारी देंगे क्या आप? नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाबा जी कौन से जिले से आ रहे हैं? कौन से जिले से? खंडवा से। खंडवा जिले से परिक्रमा करते कितने दिन हो गए बाबा जी? 2 महीने 20 दिन हो गए। 2 महीने 20 दिन, तो आप लोग पैदल कर रहे हैं वाहन से? और बाबा जी एक बात बताइए, आप जो परिक्रमा कर रहा है इसमें आपका कुछ खर्चा पानी लगता है क्या? नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगा? चाय नाश्ता खाना जी। और भी क्या क्या सुविधा मिलती है परिक्रमा में? सुविधा तो उसमें सभी है, सोने के लिए रजाई मिलती है, ओढ़ने के लिए कंबल मिलती जी, खाना मिलता जी, सारी व्यवस्थाएं जी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपको कोई सेवा नहीं मिलती हो? नहीं, सेवा मिलती है बराबर जी। तो बाबा जी ये कहाँ पूरी होगी परिक्रमा? ओमकारेश्वर में हो जाएगी पूरी आपकी परिक्रमा। तो आप लोगों ने मतलब ये नर्मदा मैया परिक्रमा उठाई, तो आपके मन में कैसा आया कि परिक्रमा करनी चाहिए? नहीं, हम तो
ओंकारेश्वर के रहने वाले हैं सर, और हमें इसके विषय में बहुत कुछ जानकारी है जी, कि माँ की परिक्रमा करने से क्या लाभ। तो थोड़ी बहुत जानकारी बाबा जी बताइए ना। हाँ, इसकी जानकारी ये है बाबा जी कि जो आदमी जो चीज को मानता है जी कि भाई मेरा ऐसा हो जाए माता श्री, तो बिल्कुल वो तत्काल होता है जी, है ना। थोड़ा बहुत कोई उदाहरण आप बताएंगे। उदाहरण के लिए ये है कि मेरा एक मकान था 5 साल से रुका था, जो बिक नहीं रहा था जी, जिसकी कीमत मात्र 12,000 रुपए थी जी, 12 लाख जी, है। जो आज मैं पंचकोशी करने गया, पंचकोशी बाबा 16 लाख रुपए देता हूँ, हाँ यार नाम है जवाब जी। तो मैंने पंचकोशी में से उनको जवाब दिया कि दिया आपको जी, उधर चाहे वैसे रेस्टोरेंट जी। तो आपने परिक्रमा मतलब तब से ही कबूल ली थी क्या? नहीं नहीं, कोई कबूल नहीं सर। जो आदमी जो चीज मांगता है अपने आत्मा से और सही कर्म करे, सही कर्म करे जी, इसमें भी कई प्रकार के लोग हो रहे हैं और कई प्रकार के काम होते हैं जी, वो नहीं होना चाहिए जी। और अब मैं रेलवे से रिटायरमेंट हूँ। रेलवे से रिटायरमेंट जी, जी जी, और 65 साल की उम्र है और बढ़िया भगवती की दया से मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे आप बोलेंगे बाबा चाय पियो तो मैं चाय पीऊंगा, नहीं तो मैं चाय आपसे कभी नहीं मांगेंगे, मुँह से नहीं मांगेंगे, मुँह से मैं नहीं मांगूंगा। के लिए सारी चीज सही, इसमें सही है, बाकी सब गलत जी। बाबा जी बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें बताई है। कई लोग ने मतलब पेशा बना लिया इस बात का भी जी। तो अभी तो आप खड़े कहाँ पे? नहीं, खोजनपुर पे नहीं जी। बाबा जी खोजनपुर गांव है, इसके बाद में डोंगरवाड़ा आने वाला है, उसके बाद में हासनपुर आएगा, हासनपुर से 3 किलोमीटर रंडाल है, रंडाल के बाद में गुआसर में सात धारा है, बादामगिरी जी महाराज का है, जहाँ पर परिक्रमावासियों को भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, धर्मशाला बनी है, पूरी व्यवस्था है, डेली जितने भी परिक्रमावासी आते हैं मतलब वो रोकते हैं, नहीं रुकते तो बाबा जी चल जाते, लेकिन जो रोकते हैं और रुकते हैं उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था पूरी है। वो बाबा जी रोकते हैं, कई लोग नहीं रुकते हैं, जल्दी रहती जाने की, लेकिन आप जरूर रुकिएगा, वहाँ जी का दर्शन करके जाइएगा। और 2 मार्च से वहाँ यज्ञ होने वाला बाबा जी, आपकी ओंकारेश्वर परिक्रमा पूरी हो जाएगी ना, फिर आप दोबारा लौट के आइएगा आश्रम पे, नहीं है ना बाबा जी? हाँ बिल्कुल। बाबा जी नर्मदा मैया सात धार भी है वहीं पे, नहीं उसके दर्शन बहुत जरूरी करना, आप परिक्रमा में आए तो 1 किलोमीटर है आश्रम से, नहीं उसके बाद में गौरी शंकर महाराज का समाधि है कोकसर में, तो वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ भी जरूर रुकेगा, है ना जी। सारी चीजें मेरे मोबाइल में आती सर, और मेरी बेटी मेरे को देती जाती रहती है, और बहुत सारी चीजें इसमें मिलती है, कहाँ धर्मशाला है, कहाँ आश्रम है जी, और कौन से महाराज है, वहाँ जाकर के दर्शन करना मेरा फर्ज है जी, और मैं वही करते चल रहा हूँ जी। बाबा जी बहुत अच्छा लगा, आप किसी से कुछ नहीं मांगना, मेरे को माँ भगवती बोलेगी तो आपको बोल देगी, और वो आप स्वयं देंगे तो ही लूंगा, नहीं तो मैं आपसे आगे हाथ नहीं फैला जी। बाबा जी आप कोई मोबाइल नंबर बोलिएगा, मैं वीडियो उस पर सेंड करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर लीजिए 9754 जी 1488 14 जी, बड़ा वाला मोबाइल है जी। जी बाबा जी वीडियो में आपको पास है ना, सेंड करूंगा, आप देखिएगा, अपने परिवार को भिजाइएगा कि खोजनपुर गांव में कोई मिला था, मेरे नाम प्रेम मीना है, यूट्यूब पे मेरा चैनल चलता है जी जी। ठीक है बाबा जी, नर्मदे। अच्छा, आप पत्रकार महोदय होंगे? पत्रकार नहीं बाबा जी, मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ बैंक में जी। लेकिन मुझे ये बात मतलब नर्मदा मैया की महिमा के बारे में मुझे लोगों को बताना है जी जी। दूर दूर तक मतलब आप कैसे परिक्रमा करते? बाबा जी एक बात और बताइए, इस परिक्रमा में मतलब हाँ बताया आपने कि आपका कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है ना जी। तो मुझे लोगों को तक भिजाना है कि नर्मदा मैया की परिक्रमा करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल आदमी का मन होना चाहिए जी, मन होना चाहिए जी। इसमें रास्ता में चला था मेरे कम से कम 3 जगह 500 रुपए की जूती चोरी कर गए जी, है ना जी। मैंने फिर भी नहीं, बहुत सारे लोगों ने बोले वाह मेरे से पैसा लो, मैंने कहा नहीं गुरु जी, मैं रेलवे से रिटायरमेंट हूँ और मैं पेन लूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ऐसे 2-4-500 रुपए की लाभ हानि होती है, वो खर्च जी बाबा जी, वो तो संसार सागर कई प्रकार के लोग मिलते हैं ना। तो मैंने उस पर विरोध भी नहीं किया और न क्रोध किया किसी पे जी बाबा, और अपने जेब से पहनते चले गए बस जी बाबा जी। वो ही परिक्रमा, ना तो क्रोध करना चाहिए और सब जो भी स्थिति में मैया रखा उसमें कभी कभी जैसे आपने बोला रडाल है वहाँ पर खाना मिलेगा जी। अगर 2 बजे तक नहीं आएगा तो मैं किसी से 2 बजे तक नहीं बोलूंगा कि मुझे चाय पिला दो, खाना खिला दो। नहीं बाबा जी, हासनपुर में भी चाय की व्यवस्था आपको रोक के पिलाएंगे, है ना? नहीं, रास्ते में हम किसी को नहीं बोलते जी बाबा जी, है ना जी। लोग जो बिस्किट वगैरह देते हैं, कुछ फल फ्रूट ये में रख लेते हैं जी बाबा, वो खाते पीते निकल जाते हैं जी। नर्मदे हर बाबा जी, आपके दर्शन हुए बहुत अच्छा लगा। भेजना सर जी जी बाबा जी आपके पास बिल्कुल आएगा। नाम बता दीजिए क्या है आपका? घनश्याम कोड़े। घनश्याम कोड़े जी, बाबा जी ये वीडियो आपके पास जरूर पहुंच जाएगा, है ना? कल परसों में नर्मदे हर, नर्मदे हर। खोजनपुर की गलियों से देखिए परिक्रमावासी बाबा जी लोग निकल रहे हैं। खोजनपुर का ये गांव है, खोजनपुर का ये जो देवी जी का मंदिर है, यहाँ पे थोड़ी आगे में चला तो 2 बाबा जी फिर दिख रहे हैं मुझे। देखिए ये आंगनबाड़ी है खोजनपुर की, और ये हेडपम्प है सरकारी, जहाँ से लोग पानी भर के लिए जाते हैं। नर्मदे हर बाबा जी, बाबा जी
मौन व्रत है आपका, बाबा जी का मौन व्रत है तो बाबा जी नहीं रुकेंगे। अगले वाले बाबा जी से और नर्मदे हर करते हैं। नर्मदे हर बाबा जी, बाबा जी नर्मदे हर, बाबा जी आपका तो मौन व्रत नहीं है। नर्मदे हर नर्मदे हर, हर। तो ये दोनों बाबा जी ने बात नहीं करी है, तो बोलते मुंह फाड़ा झुड़का। जहाँ पर एक बाबा जी के दर्शन हुए, बाबा जी नर्मदे हर, बाबा जी आप बात करते हैं कि नहीं करते हैं? बाबा जी आप गुरु आश्रम कहाँ पे? अयोध्या। अयोध्या से आए बाबा जी? तो बाबा जी आपके चरणों में पहले नंबर तो प्रणाम, क्योंकि आप अयोध्या से आए हैं। क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं साक्षात आए हैं हमारे लिए। तो और बाबा जी आपका गुरु आश्रम, आप अयोध्या के रहने वाले हैं? जन्मभूमि ही अपनी अयोध्या, ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी, गुरु नहीं बना, गुरु नहीं बनाया आपने। तो बाबा जी आप बताइए, आप जहाँ रहते वहाँ नर्मदा मैया है क्या? जहाँ रहते हैं वहाँ नर्मदा जी कहाँ रहेंगे? अयोध्या में सरयू जी है। सरयू है, भारत देश में सात नदियाँ गंगा स्वरूप बोली गई। जी क्या है? गंगा, यमुना, सरयू, गोदावरी, जी, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी। जी तो ये जो नदियाँ हैं सभी गंगा हैं। जी तो इनमें से कोई भी नदी के किनारे अगर आप रहो तो गंगा ही है, जैसे नर्मदा जी वैसे सरयू जी। जी बाबा जी नर्मदे, बाबा जी सटाइए ना। तो बाबा जी नर्मदा मैया की जो आप परिक्रमा कर रहे हैं, इसमें आपका कोई पैसा वगैरह कुछ लगता है क्या? नहीं कुछ भी नहीं, कोई खर्चा बिल्कुल। तो इसमें मतलब थोड़ा महत्व बताइए नर्मदा मैया का, बताइए ना बाबा जी। आपको है ना मेरे चैनल के माध्यम से लाखों लोग देखेंगे। देखिए जी, चैनल की बात तो नहीं है, लेकिन जो अपना साफ सुथरा बात है संतोष जी, मैं बता रहा हूँ। जी जी जी, नर्मदा जी को वैराग्य स्वरूप बोला गया है, गंगा जी ज्ञान स्वरूप है जी बाबा, और गोदावरी जी ऐश्वर्य स्वरूप है। ऐसे सातों गंगाओं का अलग अलग महत्व है। सरस्वती जी विवेक स्वरूपा है जी। तो नर्मदा जी को प्रायः जो संत आते हैं यहाँ पे, जैसे मैं अभी ब्रह्मचारी हूँ, आगे अगर संत बनूंगा जी, तो उनको संत के मार्ग में अध्यात्म में प्रवेश के लिए सबसे पहला चीज होता है वैराग्य। आपका वैराग्य मजबूत होना चाहिए जी। तो उस वैराग्य की परीक्षा नर्मदा खंड में होती है, तरह तरह से माता परीक्षा लेती है, या समझिए जो हमारी जीवन में परिस्थितियाँ आती है इस परिक्रमा के दौरान। तो संत प्रायः जो भी आते हैं यहाँ पे, बस इसीलिए कि हाँ हमारा वैराग्य, गुरु उनको या संत उनको आज्ञा करते हैं कि जाओ नर्मदा खंड की परिक्रमा करके आओ, अगर संत बनना है तो आपका वैराग्य अगर मजबूत है तो परिक्रमा अच्छे से हो जाएगी। तो ये समझिए ठीक है, और आपका द्वार इस मार्ग के लिए, अध्यात्म के लिए खुला हुआ है। ये मुख्य रूप से संत इसलिए आते हैं जी। और रही बात व्यवस्था की, तो आज के 40 साल पहले जब 3 साल 3 महीने 13 दिन की गौरी शंकर महाराज जी ने परिक्रमा की, या और पहले ही जो संतों ने शुरुआत की इसकी, तब तो कोई व्यवस्था नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। वो अपना सब कुछ सामान लेकर चलते थे, कुछ भिक्षा किया पा लिया। अब तो हर 2-3 किलोमीटर में व्यवस्था है, समस्या कहीं कुछ नहीं जी। और कुछ आते भी है तो मैया पार कराती जी। तो बाबा जी गौरी शंकर महाराज जी के बारे में बताइए ना, आपने नाम लिया है तो? नहीं, हमने बस यही सुना है उनके विषय में, प्रथम बार परिक्रमा उन्होंने की थी, तब से यह परंपरा चली आ जी। तो गौरी शंकर महाराज की समाधि आपको है ना यहाँ से नहीं, मतलब कम से कम 15-20 किलोमीटर आगे है, कोकसर गाँव, जहाँ पर उनकी समाधि स्थल बना हुआ है बाबा जी। 3 साल 3 महीने 13 दिन की उन्होंने चालू जी। अब तो प्रायः लोग कोई 108 का कर लेता है, कोई उससे भी कम में, मतलब क्या होता है प्रायः जो सर्विस वाले हैं, जो नौकरी में हैं, या जो अपने पारिवारिक बंधनों में कर्तव्यों में बंधे हुए हैं, उनके लिए ये बंधन होता है कितने जल्दी हम पूरा करके जाएं। लेकिन संत तो अपनी मौत से आराम से करते जी बाबा जी, कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 3 साल का भी नियम ले लेते जी बाबा। लेकिन ये लोग जो छुट्टी लेकर जाते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है, कोई 90 दिन में, कोई 80 दिन में भी करके चले जाते हैं। बाबा जी प्रेशर तो बहुत रहता है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो प्रेशर मेरे ऊपर ही बन जाएगा। तो बाबा जी मैं आपसे और ये कहना चाहूंगा, आप लोग खड़े देखिए, ये तो परम श्री गार्डन है, यहाँ पर ये नाला जाता है, नर्मदा जी मिलता है, और यहाँ से आप जाएंगे आगे खोजनपुर गाँव आने वाला है, उसके बाद में आएगा डोंगरवाड़ा, उसके बाद में हासलपुर, हासलपुर के बाद में रंडाल, रंडाल के बाद में गोआश्रम सात धारा है श्री बादामगिरी जी महाराज का, जो कि नांगा बाबा है, दसना जूना अखाड़ा से है। और आप वहाँ पर जरूर रुकिएगा, वहाँ पर जो भी संत जाते हैं, परिक्रमावासी जाते हैं, सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, और हासलपुर ग्राम में भी चाय पिलाते हैं, सदाव्रत मिलता है, और हमारे हासलपुर घाट पे भी बाबा जी ने कुटिया बना रखी है। इसे मैं बोलूंगा जी, ये नर्मदा खंड ऐसा है, हमने इसकी पहले पूरा भारत भ्रमण किया जी, और काफी समय चूंकि हमने वैष्णव पंथ के लोगों के साथ ज्यादा बिताया है जी, तो अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट इन धामों में ज्यादा रहे जी, अपना 4 धाम, भारत भ्रमण सब कुछ हो गया जी। लेकिन पहले मैं कहीं भी जाता था, कहता था वृंदावन जैसा कहीं नहीं जी, लेकिन
जो मैंने अभी 1 दिसंबर को चालू की थी जी, प्राय 90 दिन में मैं परिक्रमा पूरी कर लूंगा जी। तो आप से मैं ये कह सकता हूँ जो मेरा अनुभव रहा है, मैया तो मतलब तरह तरह के लोगों को अनुभव कराती है जी, कि इस नर्मदा खंड में परिक्रमा करके मुझे लगा यहाँ अनंत वृंदावन बसे जी। ऐसा जी बाबा जी, मतलब संतों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए जी, इससे उत्तम जगह नहीं है। और 80% तो गृहस्थ ही परिक्रमा, 80 या 90% गृहस्थ भी परिक्रमा कर रहे हैं जी बाबा जी। तो ऐसा उत्तम धाम हमें नहीं कहीं दिखा जी। त्याग तपस्या तप के लिए बहुत अच्छा जगह है, और किसी के अंदर दान और दया ऐसी चीज ना हो, मानवता नाम की चीज ना हो, तो एक बार नर्मदा खंड की परिक्रमा कर ले, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से वो आ जाए जी। तो उसको खुद ही सीखने को मिलेगा, खुद ही उसके मन में आएगा कि चलो हम सेवा करें लोगों की। बाबा जी मैं तो है ना, आप लोगों का मतलब नर्मदा जो वासी है मैया के किनारे, ऐसा भाव है, उस प्रेम का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है, और हम क्या कहें। बाबा जी मैं तो है ना हर परिक्रमावासी बाबा को नर्मदा हार करता हूँ, रोक लेता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि कभी न कभी कोई ऐसा संत महात्मा टकरा जाए जिससे कि मेरे जैसे प्राणी का उद्धार हो जाए। और हम कहें आश्रम तो 2-3 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे, 15 किलोमीटर पे कहीं कहीं मिलते हैं, लेकिन नर्मदा खंड का हर घर आश्रम है जी बाबा। हमें ऐसा जी जी हुआ है, नहीं लोगों का बहुत प्रेम, बहुत सहयोग जी बाबा जी। और क्या कहें जी बाबा जी, आपके दर्शन हुए। चले हम लोग, बाबा जी फोन रखते नहीं है, बाबा जी मोबाइल नंबर आपको कोई हो तो दे दीजिए, ताकि मैं आपके पास ये वीडियो सेंड करूं। आप यूट्यूब पे चैनल बना रहे हो, तो चैनल का नाम बता दीजिए। प्रेम मीना नाम से बाबा जी मेरा यूट्यूब पर चैनल है, प्रेम मीना जी। और आपको जितने भी परिक्रमावासी निकलते हैं ना, सबके दर्शन होते हैं, क्योंकि सुबह से मैं निकलता हूँ ना घर से नहीं, और मुझे मेरी ऑफिस तक है, परिक्रमावासी ऑफिस के सामने से निकलते हैं। तो सर यहाँ से कितना दूर है आपका ऑफिस? मेरा ऑफिस यहाँ से नहीं, 4 किलोमीटर अभी जी बाबा जी। सब्सक्राइब किया बाबा जी ने, बाबा जी एक लंबी लिस्ट निकलेगी, कोशिश कर रहा हूँ नर्मदा मैया के जो हर संत साधु संतों के मैं दर्शन कराऊं सभी लोगों को, बस ये मेरी कोशिश है बाबा जी। नर्मदे हर बाबा जी, आप भी जाते जाते कुछ बोल जाइए बस। महाराज जी ने तो ऐसा कुछ छोड़ा नहीं जो बोला जाए जी, महाराज जी ने सब कुछ, सब महत्व और सब कुछ बताई दिया है जी बाबा जी। हम क्या बोले, सब हो गया उसमें कंप्लीट जी बाबा जी। मैं है ना नर्मदे हरी बोलेंगे, नर्मदे हर बाबा जी, और जो जो उन्होंने बोला उसमें हर बात में तथ्य और सत्यता है जी बाबा जी। ऐसा ही है कि नर्मदा खंड अपने आप में बड़ा अपरंपार है जी, और अच्छी है लीला है मैया की जी, सब प्रकार के अनुभव होते हैं जी, बढ़िया है। हर जो व्यक्ति जिस भाव से आता है मैया के किनारे पे जी, उस भाव से मैया उसको पूर्ण करती है जी। कोई संसारिक भाव से आ रहा है, गृहस्थ आ रहा है संसारिक भाव से कुछ लेने के लिए मान्यता से, भैया वो भी पूर्ण करती है। कोई आध्यात्मिक भाव से आ रहा है, नर्मदे सर्वदे, हाँ, कोई आध्यात्मिक भाव से आ रहा है कि भाई हमें भक्ति मिले, मोक्ष मिले, भैया वो भी पूर्ण करती है। कोई अपना साधना परिपूर्ण करने आ रहा है, कोई साधुत्व परिपूर्ण करने आ रहा है, मैया के इस मतलब मैया के लिए सब गोद में खिलाती है वो जी बाबा जी। तो महत्व तो अच्छा खासा बना है जी, है जी बाबा जी। आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, और बस आप लोगों को तो मैं देखते ही रहूंगा मेरे मोबाइल के द्वारा। चलिए नर्मदे नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए कितने बड़े बड़े संतों के दर्शन होते हैं, मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि भगवान ने, नर्मदा मैया ने मुझे अपने तट पर जन्म दिया है, और आप लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप ये वीडियो देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में नर्मदे हर जरूर लिखें। बाबा जी नर्मदे हर, बाबा जी 2 मिनट रुकिए, बाबा जी कौन से जिले से आ रहे हैं? गुना जिले से। गुना जिले से, तो नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं आप लोग? हाँ। कितने दिन हो गए? 2.5 महीना से ऊपर हो गए। 2.5 महीना से ऊपर हो गए, तो आप लोग पैदल ही कर रहे हैं? पैदल। हाँ मैं करवा दूंगा ना। एक रायसेन जिले से बाबा जी, एक गुना जिले से ना? दो। बाबा जी आप गुना जिले के हैं ना, रायसेन के? आप दो गुना के। तो बाबा जी आपके मन में ये नर्मदा मैया की परिक्रमा करने की भावना कैसे जागृत हुई, थोड़ा बताएंगे? तो मैया के अपने आप ही प्रकट हुई हो, तो जी मैया की कृपा हो तो हम परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ तो बाबा जी इस परिक्रमा में आपको कोई मतलब पैसा खर्च हुआ क्या? कुछ पैसे खर्च हुए भी है, कुछ नहीं भी हुए। कुछ नहीं भी हुए। हाँ। मतलब आप पैदल चल रहे हैं? पैदल।
तो सेवा भाव तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो उसके बाद भी आपके पैसे कैसे खर्च हो गए? कुछ जगह ऐसी है जहाँ नहीं सेवा भाव नहीं मिला तो वो पैसे से काम पैसे फिर आपने काम चलाया। जी बाबा जी, आपने अच्छा बता दिया। लेकिन वैसे ज्यादातर पैसे लगते नहीं इस परिक्रमा में, क्योंकि एक रुपया भी अगर जिम में लेके नहीं चलोगे आप लोग तो सारी व्यवस्था माँ नर्मदा मैया कराती है। तो थोड़ा नर्मदा मैया के महत्व के बारे में और बताइए। नर्मदा मैया के महत्व के बारे में, नर्मदा मैया की बहुत बड़ी कृपा है जी, बहुत बड़ी कृपा। और नर्मदा मैया तो पता नहीं, वो तो भगवान की कृपा, मैया की कृपा जिसको हो जाती है जी उसका आनंद ही है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा? साथ में बाबा आप साथ में राजेंद्र जी। तो बाबा जी मुझे एक बात और बताइए, हजारों लाखों युगों युगों से ये परिक्रमा चालू होती, मतलब चालू है, और ये जो रास्ता साहब चल रहा है कोई साधारण रास्ता नहीं है। यहाँ से देव देवता भी मानव के रूप में परिक्रमा करते हैं माँ नर्मदा मैया की। तो आप और भी कुछ कहना चाहेंगे मेरे इस चैनल के माध्यम से, जो नर्मदा मैया की परिक्रमा करना चाहते हैं उसके लिए कुछ बोल दीजिए? खूब आनंद से नर्मदा मैया की परिक्रमा करें, कोई दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तक। खूब आनंद है नर्मदा मैया की परिक्रमा में जी। तो बाबा जी अभी आप जाएंगे कहाँ रुकेंगे? अब हम घाट पे जाएंगे अभी तो जी, घाट से तो 5 किलोमीटर और आगे निकल जाएंगे। तो बाबा जी आज आप सेठानी घाट पे रुकिए, मेरा कहना माने तो सेठानी घाट पे रुकिए, थोड़ा घाट देखिए, जगदीश मंदिर में भोजन की व्यवस्था भी है। उसके बाद में कल सुबह आप चलेंगे तो सेठानी घाट से 12-13 किलोमीटर नीचे गोआश्रम सातधारा है बादाम गिरी जी महाराज का, जहाँ पर परिक्रमावासी जितने भी जाते हैं उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। और 2 मार्च से वहाँ पर यज्ञ होने वाला है, तो उस यज्ञ में आप लोगों का निमंत्रण है। आप लोग अभी से वहाँ पर रुकिए और यज्ञ में भाग लीजिए, बहुत अच्छा आनंद आएगा। दूर दूर से आएंगे बाबा लोग वहाँ पे, बहुत अच्छा ना। और नर्मदा मैया की सातधार भी वहाँ पर, तो सातधारा के दर्शन करें। थोड़े आगे चलेंगे तो कोकसर गांव जहाँ गौरी शंकर महादेव महाराज की समाधि स्थल है वो भी दर्शन योग्य है, और खोजनपुर, डोंगरवाड़ा, हासलपुर, रंढाल होते हुए गोआश्रम सातधार पड़ेगा आपके लिए, है ना। कोई से पूछने की जरूरत नहीं है, परिक्रमा मार्ग बना हुआ है और आपको अपने आप ही परिक्रमा मार्ग में रास्ता बताने वाले लोग हैं, है ना बाबा जी। और भी कुछ कहना चाहे तो कह दीजिए बाबा जी, आशीर्वाद दे जाइए। नर्मदा मैया की जी करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत मैया आनंद करते जी। बाबा जी नर्मदे हर, आपने अपना कीमती समय दिया, आप इस घड़ी पे क्लस्टर बंगले के सामने खेड़ापति मंदिर है वो वहाँ पर, आप बाबा जी 2 किलोमीटर है सेठानी घाट, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है ना। नर्मदे नर्मदे हर बाबा जी। जीवन में एक बार नर्मदा मैया की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, ये सारे जो भी बाबा निकलते हैं सभी का कहना है, तो समय मिलेगा तो जरूर करेंगे माँ नर्मदा मैया की परिक्रमा, नहीं तो घर बैठे बैठे दर्शन करिए, आपको वो ही पुण्य मिलेगा जो नर्मदा मैया की परिक्रमा करने से मिलता है। आज के समय में माँ नर्मदा मैया साक्षात है नर्मदे हर। और कुछ 3 बाबा लोग आ रहे हैं जो कि नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, तो नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। ये विजय भैया की तरफ से चाय के लिए बाबा लोगों के लिए 10-10 रुपए की राशि दी जा रही है। और हमारे विजय भैया की तरफ से बाबा लोगों के लिए चाय पानी के लिए पैसे दिए गए हैं। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी आप कौन से जिले से हैं? रायसेन से। 3 हो बाबा जी, तो ये बताइए आप नर्मदा परिक्रमा कितने दिन होगा करते आप लोगों को? तीसरा परिक्रमा। तो कब से उठाई अपनी परिक्रमा? अभी तो हमने थोड़े दिन से उठाई जी, अभी थोड़े दिन आया हमें। कौन से घाट से उठाई थी? झिकोली। कौन से? झिकोली बोरा, झिकोली। तो बाबा जी ये बताइए आप जो परिक्रमा कर रहे हैं उसमें आपके जेब के कुछ पैसे लग रहे हैं कि वैसी हो रही है परिक्रमा? कोई खर्चा तो नहीं लगा? मतलब लोग परिक्रमा करते सोचते यार इसमें खर्चा लगेगा, तो आप परिक्रमा कर रहे आपको अनुभव है तो आप बताइए जो वीडियो देखेंगे उन लोगों को कि यार इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है या लग रहा है, आप अपने मुंह से बताइए। कोई खर्चा नहीं लगता जी, और तुम जैसे भक्त मिलते हैं कोई 50 कोई 100 कोई देता रहता है। और बीच में जो मंदिर वगैरह पड़ते हैं उसमें भोजन पानी चाय पानी गली गली में भोजन। तो बाबा जी थोड़ा नर्मदा मैया की आप परिक्रमा कर रहे हैं, थोड़ा नर्मदा मैया का महत्व के बारे में बताइए। बाबू महत्व तो बहुत लंबा समय है, थोड़ी तेज आवाज में बोलिए बाबा जी।
इनको महात्म तो बहुत बड़ो है गो। हाँ तो कोई भी छोटा मोटी कथा माता जी की आपको जो आती हो बताइए। कथा माता तो बस नर्मदे नर्मदे हर, इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है बाबा जी, नर्मदे हर ही है, नर्मदे हर जीवन भर। आप कुछ बोलेंगे बाबा जी? हमारी भी यही कहना है जी, थोड़ा नर्मदे मैया का महत्व बताइए ना। अब कहने को तो अपन क्या कह सकते हैं, उनकी बखान क्या कर सकते हैं जी। नर्मदे हर, उनके नाम से चलते रहो जी, और नर्मदा माई की प्रसन्नता भी करते रहो जी। ठीक है बाबा जी, आप यहाँ से जाएंगे, अभी कहाँ जा रहे हैं? सेठानी घाट पे आज रुकेंगे जी। तो आज सेठानी घाट पे रुकिए, कल सुबह जब आप लोग चलेंगे तो सेठानी घाट से 12-13 किलोमीटर नीचे गोआश्रम सात धारा बादाम गिरी जी महाराज का, जहाँ पर आप लोगों को रुकना है, भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, है ना? हाँ बाबा जी, तो वहाँ रुकिएगा, और वहाँ 2 मार्च से यज्ञ होने वाला है, बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, उस यज्ञ में सहभागी बनिए, है ना? आराम से आप 3 साल से कर रहे हैं तो 15 दिन और वहाँ रुकिए, है ना? फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है बाबा जी, नर्मदे नर्मदे हर बाबा जी। तो विजय भैया कैसे लगा आपको आज का ये नर्मदा परिक्रमावासी बाबाओं से मिलकर? देखिए विजय भैया भी आ गए यहाँ पर, और इन्होंने भी थोड़ा भाग ले लिया है नर्मदा परिक्रमावासियों की चाय पिलाने में। विजय भैया आप बताइए, कुछ कहना चाहेंगे नर्मदा परिक्रमावासी? नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए बहुत अच्छा है, घूमते हैं। मैं भी कभी ऊपर वाले ने मैया ने चाहा तो मैं भी लगाऊंगा परिक्रमा। तो मैं जो चैनल चला रहा हूँ इसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? अरे आप बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं और अच्छा काम है, ये ऐसा करते रहिए जी, तो लोगों को सबको पता चलता रहेगा। जैसे आज आपके माध्यम से पता चला है कि परिक्रमा में कोई पैसा नहीं लगता है जी। कई लोगों को सोचते हैं कि हम जाएंगे क्या खर्चा होगा क्या नहीं होगा, आपके माध्यम से लोगों को पता चलेगा, वो अच्छा ही है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया आपका। और YouTube पे प्रेमी नाम से मेरा चैनल है, आप देखते कि नहीं देखते? नहीं देखते ना, आपकी हर वीडियो देखते हैं, हर आपको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब हो आप हमारे। तो आपको कैसा लगता है देखकर? अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगता है। ठीक है विजय भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर।